अनेक साधक कहते हैं कि हम भक्ति भजन तो करते हैं, तो सत्संग क्यों करें? या जो भक्ति में नए हैं, उन्हें सत्संग में ज्यादा बैठने से ऊब आने लगती है। तो ऐसे में अगर आपको सत्संग करने के अद्भुत परिणाम का ज्ञान हो गया तो आप कभी सत्संग को अधूरा छोड़ के नहीं आओगे। जैसे जैसे आपकी रुचि सत्संग में बढ़ेगी, वैसे वैसे सत्संग का अभाव होता जाता है। सत्संग ना कोई व्यापार है ना कोई मनोरंजन है कि हजार लोगों को इकट्ठा करो और मनोरंजन करो। सत्संग का मतलब सत्संग सुनने के बाद हमारा चित्त संसार के वैराग्य को प्राप्त होना, मन संसार से हट जाए और श्री जी के ओर बढ़ जाए। जब मन का संसार से उदास होना हुआ तो यही सत्संग है। और जिनका मन इस संसार से उदास हुआ होता है उन्हीं को श्री जी पसंद करते हैं। तो हमारा जो मन है वो बाहरी चीजों से असंतोष, खिन्न, उदास, परेशान होने लगता है और फिर वो श्री जी के चरणों में जाके ही परम शांति को प्राप्त करता है। यही सत्संग का प्रभाव है। सत्संग का प्रभाव है संसार के राग से उठ जाना और मोह का नष्ट होना, प्रपंच से वैरागी होना ही सत्संग है। एक बार सत्संग में रुचि आ गई तब ये संसार विष के समान लगने लगता है। इस प्रकार जिसका सत्संग घट जाता है उसका हृदय विवेक से प्रादुर्भाव हो जाता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है और मोह नष्ट हुआ तो श्री जी के चरणों को वो चिपक जाता है। दूसरों से प्रपंच की बात करना, संसार में मान सम्मान की प्रतिष्ठा की चाह रखना, धन में रुचि रखना, ये सब मोह की चाल होती है। इससे उठने के लिए सत्संग होता है। बहुत धन सम्मान ये सब माया की कृपा है, ये सुख नहीं है। जब तक प्रभु ना मिले तब तक एक साधक को संतोष धारण नहीं करना चाहिए। जब तक प्रभु का साक्षात्कार ना हो तब तक एक साधक को विश्राम तक नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज जी कहते हैं, राम काज की नहीं बिनु मोहे कहाँ विश्राम। एक साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए, इसलिए सत्संग होता है। हर समय प्रभु के चिंतन में रहना चाहिए ताकि हम माया के दास ना बन जाए, नहीं तो प्रभु का प्रेम नहीं मिलेगा। ऐसी सावधानी रखें कि सत्संग के प्रभाव से, विवेक के प्रभाव से मोह का नाश होता है और जब तक मोह है तब तक प्रभु के चरणों का आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए मोह का नाश विवेक से होगा और विवेक का प्रादुर्भाव सिर्फ और सिर्फ सत्संग से होगा। तो प्रभु के चरणों का आस्वाद लेने के लिए सत्संग में रुचि बढ़ाए, सत्संग संपूर्ण सुने, सत्संग के समय नौ सोए और सत्संग में ही मन लगाए। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।